नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज गोल स्टैक इन गूगल एनालिटिक्स। जो गोल स्टैक में जाके हम किस तरह का डेटा गूगल एनालिटिक्स में चेक कर सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या है, तो सो चलिए शुरू करते हैं। गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन करने के बाद में बेसिकली आपको ये डिफॉल्ट होम पे शो होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कन्वर्जन टैब। सो आज के इस वीडियो के लिए बेसिकली मैंने जो अकाउंट सिलेक्ट किया हुआ है गूगल का डेमो अकाउंट है, मर्चेंडाइज गूगल का खुद का मर्चेंडाइज स्टोर है, इनका डेमो अकाउंट है वो हम चेक कर रहे हैं। ये मेरी करंट वेबसाइट नहीं है, गूगल की खुद की वेबसाइट है। सो ये डेमो अकाउंट में जाके हम गोल्स चेक कर रहे हैं। तो अभी हमने गोल्स में ओवरव्यू में क्लिक किया, तो गोल्स के अंदर जाके हम चेक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जितने भी गोल्स कंप्लीशन हो रहे हो, कितने गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं, कितने फॉर्म्स फिलअप हो रहे हैं, वट एवर जो भी आपने गोल्स क्रिएट हो गए क्रिएट किए हो गए गोल्स का डेटा आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। सो बेसिकली अभी हमको आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक टोटल यहाँ पे 2400 गोल कंप्लीट हुए हैं। गोल्स की वैल्यू यहाँ पे सेट की हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू नहीं शोकेस कर रहा। गोल का कन्वर्जन रेट कितना है, टोटल अबेंडनमेंट रेट कितना है, कितने गोल परचेस हुए इसमें से, कितने लोगों ने परचेस किया हुआ है, कितने यूजर इंगेज हुए थे, रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने किया, मतलब जो भी हमने गोल्स अलग अलग सेट किए थे तो अलग अलग गोल्स का हमें डेटा हमें शोकेस कर रहा है। सिमिलरली हम और भी देख सकते हैं जो गोल्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं वो कौन से पेजेस पे जाके कंप्लीट हो रहे हैं। उसी तरह से सोर्स और मीडियम क्या था, जो हमारे साइट पे जो गोल्स कंप्लीट हुई साइट पे वो विजिटर आए कहाँ से थे। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो ट्रैफिक है गूगल ऑर्गेनिक से आई हुई है, उसी तरह से मेल्स के थ्रू आई हुई है, कोई पार्टनर के थ्रू आया हुआ है, तो अलग अलग तरह से यहाँ पे गोल्स के शो सोर्स और मीडियम पर शोकेस हो रहा है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे गोल URLs पे क्लिक करते हैं तो कौन कौन सी URLs पे जाके कंप्लीशन हुआ है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम रिवर्स गोल पाथ पे चेक करेंगे तो हम पूरा गोल का पाथ देख सकते हैं कि विजिटर ने जो भी गोल्स कंप्लीट किया तो वो पाथ उसका क्या पाथ क्या था। फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट उसने कौन सा पेज विजिट किया था, तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये सब आपको यहाँ पर डेटाबेस शो हो रहा है। अगर हमें फनल विजिटेशन में हम क्लिक करते हैं तो अभी हमको फनल दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे उसमें जितने विजिटर आए थे कार्ट में, तो उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट 2900 प्रोडक्ट 1900 प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किए गए, उसमें से बिलिंग और शिपिंग तक सिर्फ 533 प्रोडक्ट गए, उसमें से 329 प्रोडक्ट का पेमेंट हुआ और उनसे उनमें से सिर्फ 35 लोगों ने रिव्यूज़ यहाँ पे रिव्यूज़ सबमिट किए और इतने परचेस कंप्लीट हुए। तो एक आपको फनल शोकेस हो रही पूरी कि आपके वेबसाइट पे जितने भी कार्ट हो रहे हैं, ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट कितने हो रहे हैं, बिलिंग या शिपिंग इन्फॉर्मेशन कितनी फिल की जा रही है और लास्ट तक प्रोडक्ट कितने परचेस हो रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर जाके आप गोल का फ्लो देख सकते हैं कि भाई आपके वेबसाइट पर जो भी गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं उनके सोर्स कौन से, कौन सोर्स से आ रहे हैं, फिर वो प्रोडक्ट कितने कार्ट में ऐड कर, तो यहाँ पे गोल्स के सोर्स पर आप डेटा चेक कर सकते हैं। उसी तरह से अपने कोई स्मार्ट गोल्स हो गए तो स्मार्ट गोल्स का डेटा आपको यहाँ पे शोकेस हो रहा है कि भाई यहाँ पे स्मार्ट गोल्स कितने कम्प्लीट हुए, यस और नो, तो यहाँ पर डेटा शोकेस हो रहा है। उसी तरह से अगर आपके कोई ई कॉमर्स स्टोर है तो ई कॉमर्स स्टोर का डेटा आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडिशनली सेटिंग्स करनी पड़ती है गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट के अंदर, ई कॉमर्स सेटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बेसिकली शोकेस कर रहा है कि आपका जो रेवेन्यू है लास्ट 7 डेज़ के अंदर वो $630 का है, आपका कन्वर्जन रेट इतना है, आप 15 ट्रांजेक्शन पूरे हुए हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू $42 की है और यहाँ पे आपको पूरा डेटाबेस शो हो रहा है। और हम आपने जो भी प्रोडक्ट आपके ई कॉमर्स स्टोर पे सेल किए हैं उस प्रोडक्ट का नाम आपको आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि भाई गूगल की हुडी यहाँ पे सेल हुई है, उसी तरह से कोई मरून कलर का शोर लाइन सेल हुआ है, प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट यहाँ पे शोकेस हो रही है। उसी तरह से ई कॉमर्स में जाके आप अलग अलग तरह के रिपोर्ट देख सकते हैं, शॉपिंग बिहेवियर चेक कर सकते हैं, चेकआउट बिहेवियर देख सकते हैं, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो बेसिकली गोल्स में यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आप हमारे वेबसाइट पर जितने भी प्रोडक्ट परचेस हो रहे हैं या किसी भी तरह के गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं तो जाके हम यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली मल्टी चैनल फनल्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिलता है कि आपके साइट पे जो कन्वर्जन हो रहे हो किस चैनल्स के वजह से हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको शोकेस हो रहा है कि आपके वेबसाइट पे जितने भी कन्वर्जन हुए हैं इस स्टोर पे, उसके लिए डायरेक्ट कन्वर्जन 64% कन्वर्जन लाता है डायरेक्ट चैनल, ऑर्गेनिक की वजह से 36% कन्वर्जन हुए हैं, रेफरल की वजह से 21% कन्वर्जन हुए हैं। यहाँ पे चैनल वाइज डेटा हम देख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम असिस्टेड कन्वर्जन पे क्लिक करते हैं तो असिस्टेड कन्वर्जन में हमें पता ही चलता है कि कौन से चैनल्स की वजह से यहाँ पे कन्वर्जन हो रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी चैनल ने असिस्ट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट की वजह, डायरेक्ट में से कितने कन्वर्जन कम्प्लीट हुए, ऑर्गेनिक में से कितने कन्वर्जन हुए हैं, असिस्टेड कन्वर्जन। तो यहाँ पे शोकेस ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक सर्च में से 287 असिस्टेड कन्वर्जन। इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक में से किसी विजिटर ने ऑर्गेनिक में प्रोडक्ट सर्च किया होगा गूगल का, फिर वो प्रोडक्ट पेज पे गया लेकिन उसने वहाँ से प्रोडक्ट परचेस नहीं किया, नेक्स्ट टाइम वो डायरेक्ट साइट पे गया होगा या सोशल के थ्रू आया होगा, फिर उसने प्रोडक्ट परचेस किया, लेकिन उसको जो प्रोडक्ट का अवेयरनेस कहाँ से हुई, ऑर्गेनिक की वजह से हुई। तो ऑर्गेनिक चैनल ने उस यूज़र को असिस्ट किया प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो असिस्टेड कन्वर्जन देख सकते हो। उसी तरह से कन्वर्जन पाथ हम यहाँ पर जाकर देख सकते हैं टॉप कन्वर्जन पाथ कौन कौन से हैं।
ये दिखा रहा है आपको कि मोस्ट ऑफ जो विजिटर आते हैं डायरेक्ट में से दो बार हमारे वेबसाइट पे विजिटर विजिट करने के बाद में प्रोडक्ट परचेस करते हैं। बहुत बार क्या होता है डायरेक्ट विजिट जो होती है 3 बार होती है उसके बाद प्रोडक्ट परचेस किए जाते हैं। उसी तरह से बहुत बार होता है कि उस विजिटर ऑर्गेनिक में से आता है वेबसाइट पे, सेकंड टाइम डायरेक्टली वेबसाइट ओपन करता है और फिर प्रोडक्ट परचेस करता है। तो यहाँ पे आपको पूरी फनल यहाँ पे शोकेस हो रही है, अलग अलग तरह से हमारे फनल्स किस तरह से कम्प्लीट हो रही है तो यहाँ पे दिखा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे एट्रीब्यूशन मॉडलिंग है, तो एट्रीब्यूशन मॉडल में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जस्ट मिनट, कन्वर्जन में एट्रीब्यूशन मॉडलिंग मॉडल कंपैरिजन टूल पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। तो एट्रीब्यूशन मॉडलिंग में अभी यहाँ पे लास्ट इंटरेक्शन मॉडल है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो लास्ट जो चैनल यूज़ हुआ था जिससे कन्वर्जन हुआ है वो कौन सा चैनल है। तो अभी लास्ट में दिखा रहा है जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट में से लास्टली इतने कन्वर्जन हुए हैं और ऑर्गेनिक से इतने कन्वर्जन हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एट्रीब्यूशन मॉडलिंग क्या होती है तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके बारे में वीडियो बना सकता हूँ, जिसमें हम देख सकते हैं कि एट्रीब्यूशन मॉडलिंग का मीनिंग ये होता है कि आपके वेबसाइट पे जितने भी तरह के गोल्स कंप्लीट होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट परचेस करता है या कोई गोल कंप्लीशन होता है, तो जो विजिटर था वो लास्ट टाइम कहाँ से आया था, तो ऑर्गेनिक से आया था, सोशल से आया था, पेड एड से आया था, तो जो भी चैनल से वो आया होगा उस चैनल को हम एट्रीब्यूशन दे देते हैं। तो यहाँ पे हम करें लास्ट इंटरेक्शन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। उसी तरह से हम अगर यहाँ पे फर्स्ट इंटरेक्शन लेते हैं तो जो अगर विजिटर फर्स्ट ऑर्गेनिक से आया होगा और फिर वो सोशल से आके और डायरेक्टली उसने कोई कन्वर्जन किया होगा, फिर भी हम जो कन्वर्ज जो इंटरेक्शन जो होगा ना एट्रीब्यूशन वो फर्स्ट को मिलता है क्रेडिट उसका, कि भाई ऑर्गेनिक ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया तब जाके वो 2-3 बार वेबसाइट पर उसने परचेस किया। उसी तरह से अगर हम लास्ट इंटरेक्शन यहाँ पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विजिटर कितने बार हमारे वेबसाइट पर आया और लास्ट टाइम वो किस सोर्स के थ्रू आया था, तो उस सोर्स को हम क्रेडिट देते हैं। तो इस तरह से एट्रीब्यूशन मॉडलिंग काम करता है। तो बेसिकली कन्वर्जन टैब के अंदर हम जाके देख सकते हैं कि हमारे वेबसाइट पे कितने गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं और अगर आपकी ई कॉमर्स साइट है तो आपके कितने प्रोडक्ट परचेस हो रहे हैं, कितने आपको रिफंड्स आ पा रहे हैं, आपके किसी भी तरह के कन्वर्जन्स आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको कन्वर्जन रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होगी तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, मैं हम आपको ट्राई करेंगे जल्द से आंसर कर सके। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक।